मुंबई को हम देखने के आदि नहीं है यहाँ नंबर सिक्स पर, स्पेशली जो पिछले कुछ सालों का फॉर्म रहा है। और दूसरी बात, ये जो आज स्थिति है, स्थिति नहीं परिस्थिति है, उसमें सिंपल सी बात है कि इनको अब ये बाकी तीन मैच जीतने ही पड़ेंगे। सॉरी, नो थैंक यू वेरी मच, नॉन निगोशिएबल। तो ये तो रियलिटी है, ये आपकी स्क्रीन पे है। वो इसलिए है कि ये जो चमकती चीजें है ना, ये कम नजर आ रही है ना, चमक रहेगी तो फिर आपको जरूरत नहीं पड़ती। तो ये आपकी शुरुआत में तो पहले तीन में से दो आप जीत गए, लेकिन फिर वो सत्र खत्म करते करते एंड भी ठीक रहा, लेकिन यहाँ पे आके ना शुरुआत अच्छी नहीं हुई। आप उम्मीद करते थे यू नो चार में से एक ही जीते, वहां पे मुंबई से आप एक्सपेक्ट करते थे, क्योंकि जैसे आपने कहा चैंपियन टीम है। तो इस साल कुछ ठीक नहीं रहा है, या तो ये बदलाव की वजह से कहिए या यू नो कंडीशंस जो बदल गई हैं, आई थिंक उसमें सबसे बड़ा रोल शायद उसका वो है। उन्होंने जो टीम बनाई है इतने सालों से, ऐसा नहीं है बाहर नहीं जीतते थे, लेकिन जो स्टाइल होता है खेलने का ना, वो वानखेड़े पे बहुत ज्यादा सूट करता था। और गेंदबाजों के लिए तो आसान हो गया, उनके सबके आंकड़े अच्छे नजर आ रहे हैं, लेकिन जो बल्लेबाज है ना, उनको थोड़ी सी तकलीफ सी आ गई। और फर्क ये पड़ गया था कि टीम ना ऐसे चलती थी, दो तीन बहुत बड़े यू नो, एक पोलार्ड पीछे, रोहित शर्मा सबसे आगे, ये होते थे इनके स्तंभ, और बाकी ना यंग एक्सप्रेसिव यू नो यूथ एक्सुबरेंस जो बोलते हैं। लेकिन कुछ कुछ वक्त ऐसा गुजरा है पिछले एक साल में कि ये सारे भी ना बड़े बड़े, उतने बड़े तो नहीं हुए लेकिन बड़े बड़े हो गए थे, तो एक तरह के माइंडसेट हो गया था, और ये सोच रहे थे मैं नहीं अगला कर लेगा, लेकिन वो लाइन बहुत लंबी हो गई कोरोना की लाइन। और अगला के बाद थोड़ा मामला अगली हो गया यहाँ पर, क्योंकि अभी जो है मामला उनके लिए डामाडोल है। और आशु, युवा पीढ़ी थी, अभी पीढ़ी नहीं है, अभी सिर्फ पीड़ा है मुंबई के लिए कि तीनों मैच ही जीतने ही पड़ेंगे, तो मामला साफ हो गया। देखिए, जब आप युवा पीढ़ी की बात करते हैं और T20 की बात करते हैं ना, तो ये तो कभी पीड़ा बन जाते हैं, कभी वो युवा पीढ़ी आपकी जीत की सीढ़ी भी बनी है। तो IPL और T20 तो देखिए ऐसे चलता है, पर अगर एक आधा खिलाड़ी फॉर्म में ना हो ना गौरव, तो आपका काम चल जाता है। यहाँ पर अभी आप हार्दिक पांड्या देखिए, काफी समय के बाद आए हैं, थोड़े रन जरूर निकले उनके बल्ले से, पर वो भी जो जीत हुई है, जो चेज हुआ है, बड़ा धमघोटू हुआ है। आप अगर बात करें ईशान किशन की, उनको बाहर बैठा दिया गया T20 विश्व कप की टीम में भारत के, पर फिर भी बाहर बैठे हैं। सूर्य कुमार यादव फॉर्म में नहीं दिखे। जब आप बात जो कर रहे हैं ना कि 6 या 7 बल्लेबाज हैं, उसमें से अगर 3 फॉर्म में नहीं है, तो फिर दिक्कत किसी भी टीम के लिए हो जाएगी। और मुंबई का जो एक कहते हैं ना कि जिस तरीके से उनका खेल चलता है, कि 7 मैच, जैसे अजय ने भी कहा ना कि घर पे आप खेलते हैं, एक आधा मैच आप बेंगलोर कलकत्ता आप देख लीजिए, तो 14 में से 8 या 9 मैच ना हाई स्कोरिंग है, बड़े बड़े छक्कों वाला जो काम होता है ना, वो उन ग्राउंड में तो हो जाता है। जब आप बॉम्बे बेंगलोर की बात करते हैं, कलकत्ता की पिच, आउटफील्ड जिस तरीके से चली है, पर यहाँ जिस प्रकार खेल चल रहा है ना, यहाँ थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और ज्यादा, ये बात पक्की है, क्योंकि यहाँ पे 200 रन के मुकाबले हो नहीं रहे हैं। बिल्कुल नहीं हुए हैं, क्योंकि ये जो पिच है ये अलग है। पिछले साल हमें इसी समय शारजा में दिखे थे, खूब पटाखों वाली पारियां दिखी थी, 200-220 की पारियां दिखी थी। इस बार वो पिच भी अलग दिख रही है, काफी स्लो है, धीमी गति की है। अबूधाबी का ग्राउंड जो है वो थोड़ा बड़ा भी है, तो उसमें भी बाउंड्री पे कुछ कैचेस हो रहे हैं। पर अगर बदलाव की बात करें, हम पहले मुंबई पर ही अगर हैं तो मुंबई की बात करें, मुंबई में आप कोई बदलाव देखेंगे? अभी जो पुराना उनका टीम, उनकी जो पुरानी टीम थी, बदलाव के लिए आप क्या कर सकते हैं? कि बाकी सब तो पक्के हैं इस टीम में, पर लगा तो हमें ये ईशान किशन के बारे में भी था। अजय भाई, आई थिंक वो एक कॉल था, एक और एक बड़ा कॉल था उस दिन जो उन्होंने लिया है। और ये मॉडर्न डे क्रिकेट या फ्रेंचाइज क्रिकेट की यू नो आई थिंक ये तरीका है, क्योंकि देखिए इनके लिए ये 2 महीने, ये 14 मैच क्वालिफाइंग और उसके बाद फाइनल तक, और फिर साल बदल जाता है। और आप मेरी टीम में आ जाए, कल मैं दूसरे की टीम में हूँ, कल को तीसरे की टीम में, यहाँ का कप्तान कहीं और चला जाता है, तो वो हमारे जैसे वो लगता है कि ये बहुत बड़ा कॉल है। लेकिन जिसके पास ये जॉब है, चाहे कप्तान है, चाहे यू नो मैनेजर है, कोचेज हैं, उनको ये कॉल लेना पड़ता है, क्योंकि उनके पास वक्त नहीं है। और उनका काम ये नहीं है कि यहाँ की टीम बनाए अगले 5 साल के लिए, यहाँ तो इस टीम के लिए तो फिर भी आप कह सकते हैं कि जो यहाँ होता है वो यहीं रहता है, लेकिन बाकी टीमों के लिए तो वो कॉल था। आई थिंक अब इंटरेस्टिंग मेरे लिए ये है कि वो एक रिवाइवल जो था वो हो चुका है, अब ये देखना है कि अब क्या सोचती है ये टीम, क्योंकि यू नो ईशान किशन ने जो इस टीम के लिए किया है, और जिस तरह से पिछले साल भी जीते, उससे पिछले साल वो बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन
पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब वो उसी टीम से खेलेंगे जो पिछले मैच में जीती थी। हाँ, एक आध गेंदबाज में शायद फर्क हो, क्योंकि वो कंडीशनल फर्क है, वो ये नहीं कि क्योंकि ये नहीं कि टीम में इंडिविजुअल का फर्क होगा, वो शायद हो। और वो भी मुझे डाउट ही लगता है, क्योंकि कुल्टर नाइल ने आके ना जो वो मिलने साहब थे उससे बेहतर ही जप्पी डाली है बाकी सब टीमों को, और वो थोड़ा बल्लेबाजी, वो बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, और अगर कोई तकलीफ रही है ज्यादा तो बल्लेबाजी में रही है। तो मुझे नहीं लगता कि शायद बदलाव हो, और सौरभ तिवारी ने अपना काम जो होता है जो उनके बस में है वो बड़ा बड़ा खूबी से उस दिन खेल के निकाला।